कितनी ज्यादा भगदड़ हो रही देख लो, चलती हुई ट्रेन में लोग चढ़ने की कोशिश, और भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, बंदे अंदर तक जा। अपनी जो ट्रेन है सामने वाली ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ये है चढ़ने के लिए कितना मारा मारी हो गई ना, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। विकलांग वाले डिब्बे में बैठना पड़ा, जीवन बचा यही बाल बाल, बहुत ज्यादा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का बचपन से ट्रैवल में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी जंक्शन और आज यहां से सफर करने वाले हैं लखनऊ। उम्मीद करूंगा आप इस छोटे से सफर को पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल पे नए होंगे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो ये है बाहर का नजारा वाराणसी जंक्शन का, बाकी देखो भीड़ भाड़ कितनी है इस टाइम वाराणसी जंक्शन पे। बाहर आप देख सकते उस तरफ रीडेवलपमेंट का काम चल ही रहा है और यहीं से ऑटो टैक्सी सब चीज आपको फैसिलिटी यहीं से बाहर से मिली। भीड़ देखो दोस्तों कितना है और खासकर कांवड़ियों का, क्योंकि सावन का महीना है ना। और आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर, बट देखो एक नंबर और दो नंबर पे कोई भी ट्रेन नहीं है और तीन नंबर पे लगी शालीमार एक्सप्रेस जो गोरखपुर से शालीमार के बीच में चलती है। स्टेशन पर आपको फल फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, सामने आप देख ही रहे हैं। देखो प्लेटफॉर्म एक पर आपको फूड प्लाजा मिल जाएगा IRCTC का, वहाँ से आप खाने वगैरह की चीजें ले सकते हैं। और जो सामने आप प्लेटफॉर्म 9 नंबर पे भीड़ देख रहे हो, ये सारी भीड़ है बेगमपुरा एक्सप्रेस की। अभी ट्रेन को लगाया जा रहा है, संटिंग हो रहा है, थोड़ी देर में जैसे ही ट्रेन लगती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेन की बात करूँ दोस्तों तो बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन हमारी होने वाली जो डेली रन करती है वाराणसी जंक्शन से जम्मू तवी के बीच में वाया सुल्तानपुर लखनऊ अम्बाला होते हुए, काफी अच्छी ट्रेन है और सुपर फास्ट ट्रेन है। इसमें आपको जनरल स्लीपर AC सब कुछ मिल जाएगा और 12:40 पे यहाँ से चलती है दोपहर के। तो जैसे ही ट्रेन लगाई जाती तो मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। और सामने से जा रही है शालीमार एक्सप्रेस जो आई है शालीमार से और जाएगी है गोरखपुर। और अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है और अब भीड़ देखो दोस्तों, मैं तो थोड़ा सा दूर हूँ ताकि किसी भी पैसेंजर को दिक्कत ना हो, क्योंकि भगदड़ मच जाती है ना जब भी ट्रेन लगाई जाती है इस वजह से। ये सामने देख लो संटिंग किया जा रहा है, वो भी डीजल लोकोमोटिव के साथ। अभी चलेंगे प्लेटफॉर्म 9 पे, पहले आपको यहां से दिखा दूं। और जनरल कोच इसमें आगे हैं और सामने आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भगदड़ हो रही देख लो, चलती हुई ट्रेन में लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई हादसा हो जाए तो ये ही पछताएंगे, जबकि थोड़ा सा रुकने देना चाहिए, सीट वगैरह तो आराम से मिल जाएगी। देख लो दोस्तों कितनी ज्यादा भगदड़ हो रही है और भीड़ कितनी ज्यादा है, ट्रेन लगे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, बंदे अंदर तक जा नहीं पा रहे। आगे भी चल के दिखाते हैं आप, देख लो ये वाला गेट भी पूरा एकदम जाम है, वो वाला तो जाम है ही है, बाकी इस ओर भी भीड़ काफी है। और भीड़ देखो यहीं से मतलब बहुत ज्यादा हो गई है, सीट तो खाली ही नहीं बची है, देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। तो यही है अपनी बेगमपुरा एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से जम्मू तवी और जम्मू तवी से वाराणसी के बीच में चलती। बाकी देख लो ये वाला जो डीजल लोकोमोटिव था ना वो देखो वहाँ चला गया शंटिंग करके, और भीड़ तो बहुत ज्यादा है। SLR कोच में भी बंदे सफर कर रहे हैं जो कि लेडीज का कोच होता है और दिव्यांग का कोच होता है। पीछे एक जनरल कोच दिया हुआ है, इस वजह से दिक्कत हो रही काफी ज्यादा, और एक SLR का कोच दिया है। बाकी चलता हूँ आगे का भी कंडीशन दिखा दूं। आ चुका हूँ दोस्तों सबसे आगे और यहाँ पे दो जनरल कोच लगे हुए हैं, एक उस तरफ और दूसरा ये, और ये बहुत ज़्यादा खाली है पीछे के मुकाबले। पीछे आपने देखा था ना कितना भीड़ था, और ये देख लो पानी वगैरह भी आ ही रहा है, बाकी साफ सफाई देख लो अच्छी खासी हो रखी है। और देख लो अभी ट्रेन एकदम खाली है, बस जितनी सीट है उतने बंदे बैठे हुए हैं। तो देखा आपने आगे के साइड दो जनरल कोच और दोनों खाली है, और पीछे कितना मारी मारी है ना, मतलब कितनी ज्यादा भीड़ है पीछे और आगे पूरा खाली है। कुछ ट्रेनों में क्या होता है दोनों साइड जनरल कोच है, कुछ में एक साइड होता है, तो आप ऑनलाइन चेक कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी सफर तो अपना जनरल कोच में होने वाला है और आगे के साइड ही बैठेंगे क्योंकि आगे के साइड क्या खाली है। यहाँ का पानी पीने वाला थोड़ा सा अलग बनाया गया है, आप देख सकते हैं
बाकी देखो कुछ पैसेंजर को बिल्कुल भी समझ नहीं होती, गुटखा पान बीड़ी पन्नी वगैरह सब फेंक के पूरा गंद मचा रखे हैं। और आज बेगमपुरा एक्सप्रेस में WAP 4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रयागराज जंक्शन की वीडियो बनाई स्टेशन की आपकी डिमांड पे। उम्मीद करूंगा उस वीडियो को आपने पसंद किया, उस वीडियो को जरूर जाके देखिए दोस्तों। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म और काफी बड़ा स्टेशन उसको बनाया जा रहा है, उसको रीडेवलपमेंट भी हो रहा है। बाकी थोड़ी देर में अपनी बेगमपुरा चलने वाली, बाकी मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पे। दोस्तों एक चीज आपको देखकर बड़ा मजा आएगा, जो सामने वाली ट्रेन आई है ना, ये है बेगमपुरा एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से आ रही है। बाकी जिस ट्रेन से हम सफर करेंगे ये भी बेगमपुरा है और ये जाएगी जम्मू तवी, यानी दोनों ट्रेनों का मिलन हो गया। देख लो कितनी अच्छी बात है। और अपनी ट्रेन का सिग्नल भी हो गया है, ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तो ट्रेन अपनी निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से। वैसे अपनी ट्रेन का जो रूट है ना, बनारस से निकलकर जौनपुर सिटी, फिर लखनऊ मुरादाबाद, उसके बाद सहारनपुर अंबाला जलंधर के रास्ते जम्मू तभी जाएगी, बट अपना जो सफर है वो लखनऊ तक होने वाला है। और वाराणसी से निकलकर यहाँ पे बारिश होने लगी दोस्तों, मौसम देखो कितना सुहाना कितना प्यारा लग रहा है, सामने का दृश्य खेतों का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों वैसे इस ट्रेन में ना पेंट्री कार नहीं है, यानी खाने पीने की दिक्कत होगी, तो अपना आप देख के चले, मतलब खाना पीना लेके चले, या फिर जब जब स्टेशन आएगा ना तब तब आपको खाने पीने की चीजें लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अपनी जो ट्रेन है सामने वाली ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ये है छपरा एक्सप्रेस जो आई है छपरा से और जाएगी मुंबई। और ये छपरा एक्सप्रेस का ओवरटेक होता हुआ यहाँ पे
अब दिखने वाला है सुंदर सा कर्व। ट्रेन अपनी पहुंची है जौनपुर सिटी। सामने मौसम देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, भीड़ तो बहुत ज्यादा हो गई है ट्रेन में। ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। मैं सोचा बाहर चलता हूँ, बाहर का नजारा आपको दिखाता हूँ। बाकी आपने भी बारिश के नजारे देखे, खेत के हरियाली कितना अच्छा लगा ना सब देख के। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन अपनी चल दी है जौनपुर सिटी से। बाकी इसका अगला स्टेशन लम्बुआ है, तो आपसे सीधा वहीं मिलते हैं। मौसम देख लो दोस्तों, पूरा बारिश का बना रखा है। बाकी खेतों के नज़ारे देखो। पहुंची है सेकंड स्टॉप लम्बुआ पे। बाकी देखो प्लेटफॉर्म वहीं पे एंड जाता है और ट्रेन इतनी बड़ी है कि यहाँ पे आके रुकी है। देख सकते हैं आप कहाँ पे जाके ट्रेन रुकी है। और इस लम्बुआ स्टेशन के बाद देख लो भीड़ कितनी ज्यादा हो रही है, पैसेंजर की कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है लम्बुआ रेलवे स्टेशन से। स्टेशन काफी छोटा था और 2 ही प्लेटफॉर्म थे। मैंने सोचा क्या आपको स्टेशन दिखाऊं, इसके बाद सुल्तानपुर जंक्शन आएगा। नज़ारे देखो दोस्तों कितने प्यारे, कितने अच्छे लग रहे नज़ारे खेतों के। सामने आप देख सकते हैं, यही तो होती है हरियाली गांव के खेतों की। देख लो अपनी पहुंची है सुल्तानपुर जंक्शन। बाकी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंची है और भीड़ काफी है यहाँ पे। खाने पीने की चीजें तो मिल ही रही है, आप सामने देख रहे हो। और यहाँ पर देखो दोस्तों मारा मारी हो गई सुल्तानपुर जंक्शन में। देख लो चढ़ने के लिए कितना मारा मारी हो गई ना, भीड़ बहुत ज्यादा है पैसेंजर की। देख सकते हो सामने आप कितनी ज्यादा भीड़ है। वैसे दोस्तों सुल्तानपुर जो है एक जंक्शन पॉइंट है और यहाँ पे 5 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। बनारस की ओर से हमारे 1 लाइन लखनऊ और 1 लाइन प्रतापगढ़, इसीलिए ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा है। देख लो दोस्तों इस ट्रेन की डिमांड बहुत है, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा है, मारा मारी है पूरा। देख लो अंदर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी तरह तो सफर करना ही है लखनऊ तक। बहुत ज्यादा भीड़ है। वैसे सीटिंग वगैरह तो मुझे मिल जाती आगे भी और पीछे भी, बट क्या है कंटेंट बनाते हुए चलना ना आप सबके लिए, इसलिए सीट वगैरह नहीं बैठ पाया मैं। ट्रेन अपनी निकल चुकी है सुल्तानपुर जंक्शन से और दोस्तों मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ कितनी ज्यादा हो गई है इस ट्रेन में। देख लो देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। विकलांग वाले डिब्बे में बैठना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई ट्रेन में। गाय का जीवन बचा, ये बहुत ज्यादा शुक्रगुजार किया भगवान का, वरना गाय जो है कट सकती थी ट्रेन से। भैया
और फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन। तो यही था दोस्तों वाराणसी जंक्शन से लखनऊ के चार बाग तक का सफर। सफर आपको कैसा लगा, नज़ारे कैसे लगे, खेत के, बारिश का, हरियाली, कितना प्राकृतिक, कितना सुहाना सफर था ना। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना लाइक करना जरूर दोस्तों। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।